खबर से मुझे मुंसलिक कर दिया गया कि इसकी शादी हो गई है और ये हो गई है। तो शादी करना तो अच्छी बात है सर, ये थोड़ी है सर, पहले ही शादी शुदा हूँ तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। आप इजाजत ले लें ना सर, मैं बताऊं पहली बात इजाजत ले लें फिर सर। मैं समझता हूँ सर, ये घटिया पीटीआई वाले जितने भी हैं इनकी सोच, इन्होंने मुझे असेंबली में, मैंने इनको गदा कहा, इन्होंने वही चीज इनके बंदे ने वो वायरल की और आप और उसमें अफेयर एक सोशल मीडिया का एक पेज है उस पर अली रिंस हैं कोई, उन्होंने पैसे लिए इनसे पीटीआई वालों से और उन्होंने मेरे खिलाफ पूरे सिंध में पूरे पाकिस्तान में प्रोपोगंडा किया। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं प्रिविलेज मोशन मूव करने वाला था, मगर मैं अब इसकी इंक्वायरी साइबर क्राइम एफआईए में और उनको लीगल नोटिस भेजूंगा। मैंने कहा मैं अपना क्लियर तो सर हमें आप ये बताएं जो ये कल चारपाई और ये यहाँ पे लेके आए, तो देखिए सर मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, आज से नहीं है हमारी फैमिली इस असेंबली में, मैं तो अभी आया हूँ मगर मुसलसल जब से पाकिस्तान बना है हमारी फैमिली का कोई ना कोई फर्द इस असेंबली में रहा। लेकिन आप एक वादा जरूर करेंगे, अगर आप शादी करेंगे तो हमें सबको बुलाएंगे। सर ये वादा मैं नहीं कर सकता हूँ, एक शादी मैंने कर ली है और ये तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये आप कह के फिर आप जब घर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। घर में सर आज ये है कि मैं आपको कहूंगा कि जो आपने इंक्वायरी कल की, इतना बड़ा गन मचाए तो उसकी इंक्वायरी अगर आपने की है तो हमें कुछ फुटेज हो या कोई उस चीज की, हमें असेंबली को सारे मेंबरान को बताएंगे। तो बड़ा मैं अब क्या देख के करना है ऐसे लोगों की शक्लें जिन्होंने इतना डिग्रेड किया है हमारी असेंबली को, दुख होता है उनको, हम फिर देखें क्या करेंगे। दुनिया ने देखा है वो तो जी, नंद कुमार साहब को बता नहीं क्या हो गया है जी, बोले